एग्जाम्पल वन रीड कर रहे हैं। रहे हैं, आवाज नहीं है, आवाज है। अच्छा एग्जाम्पल वन, अब इसमें ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें देखिए हम ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आ रहा है ना, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल है 74,520 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 74,070, दोनों साइड में डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब रीजन उसे बता दिए, ठीक है, ये फोर टोटल फोर एरर्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहे हैं। आवाज नहीं। अच्छा इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिवील्स द फॉलोइंग एरर। अच्छा ये टोटल फोर एरर्स हैं, रिक्वायरमेंट है ओपन अप सस्पेंस अकाउंट एंड एंटर द बैलेंस, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहे हैं दोनों साइड का, 450, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट किस साइड पे ओपन होगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम, कम वाली साइड। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा क्रेडिट पे 450 से। अच्छा रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बाद है शो हाउ ईच ऑफ एरर शुड बी करेक्टेड, मेक करेक्टिंग एंट्रीज इन सस्पेंस अकाउंट, प्रिपेयर करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। पहले इनकी करेक्शन करते हैं, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फिर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। अच्छा एरर ए में लिखा हुआ है कि द बिजनेस हेड परचेज 2,400 ऑफ न्यू इक्विपमेंट पेइंग बाय चेक, द पेमेंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू एनी अदर लेजर। अच्छा अच्छा इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट बाय चेक है, इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट होता है, इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक। अमाउंट कितना है 2,400, ठीक। जब रॉन्ग एंट्री क्या बना है इसने, कि द पेमेंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक, बैंक क्रेडिट हो गया, बस हैज नॉट बीन पोस्टेड टू एनी अदर लेजर अकाउंट, कि बैंक को तो उसने क्रेडिट कर दिया, बाकी इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना भूल गया, ठीक। आवाज नहीं है, ठीक। अच्छा अब करेक्शन क्या होगी, बैंक ये होगी कि हम बैंक को डेबिट कर देंगे। को डेबिट क्यों करेंगे, अब देखिए इक्विपमेंट्स को डेबिट करना भूल गए तो इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट होगा ना, इक्विपमेंट डेबिट डेबिट हो जाएंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाए, ठीक। इसकी करेक्शन हो जाएगी, इक्विपमेंट्स डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाए, ठीक। अच्छा एरर बी, परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ 800 हैव बीन डेबिटेड टू पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो परचेजेस ऑन क्रेडिट, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी इसकी, परचेजेस डेबिट होगा अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, देखिए दोनों। थोड़ा सा आगे, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, बैलेंस का अमाउंट कितना है 800, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसने, हैव बीन डेबिटेड टू पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, पेबल को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया ना। रॉन्ग एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं, ये रॉन्ग एंट्री हो गई। क्या लेके देखें, हैज बीन डेबिटेड टू द पेबल लेजर कंट्रोल पेबल को भी डेबिट कर, ठीक है। अच्छा एरर क्या हुआ कि अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना था और इसने अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर दिया, अब अकाउंट्स पेबल को हम डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे,
और सस्पेंस हैबिट हो जाए। 16 क्लियर। अच्छा ये एरर बी की करेक्शन हो गई। एरर सी, सेल्स रिटर्न ऑफ 760 हैव बीन डेबिटेड टू रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स रिटर्न है, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 760। इसे रॉन्ग एंट्री क्या बनाई? हैव बीन डेबिटेड टू रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल को भी डेबिट कर, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट, क्रेडिट कुछ नहीं किया। अच्छा अब करेक्शन क्या होगी? रिसीवेबल को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, तो अब अकाउंट रिसीवेबल को डबल से क्रेडिट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डबल हो जाएगा 15 20 15। ठीक, एरर सी, एरर कैश सेल्स ऑफ 1250 वर पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैंक अकाउंट टू द सेल्स अकाउंट एज 1520। पहले ओरिजिनल एंट्री बनाते हैं, कैश सेल्स है कि यहाँ बैंक आएगा, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 1250। सो रॉन्ग एंट्री क्या बनाई? ये लगे ना फ्रॉम पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक बैंक अकाउंट द सेल्स अकाउंट एस 1520, सेल्स अकाउंट में गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया, इट मींस और रॉन्ग क्या बनी? बैंक डेबिट हुआ 1250 से और सेल्स क्रेडिट हो गई 1520। ठीक है, ओके, तो सेल्स को हमें क्रेडिट करना था 1250 से, क्रेडिट हमने कर दिया 1520 से, कम अमाउंट से क्रेडिट करना था, ज्यादा से क्रेडिट किया, तो करेक्शन क्या होगी? डिफरेंस लेकर सेल्स को डेबिट कर देंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है? ये सेल्स डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 270। ठीक, क्लियर। ये तो हो गए इनकी करेक्शन, क्लियर है। अच्छा इसके बाद अब बनाएंगे हम सस्पेंस अकाउंट। अच्छा अब इसमें सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, पहले इसका बैलेंस लिख लेते हैं। इसमें देखिए आपको डिफरेंस कितना आ रहा था, इसमें दोनों साइड का 450 और क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा क्रेडिट साइड पे ना, ये सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे क्रेडिट पर, बैलेंस कितना था इसका 450, शॉर्ट कर देता हूँ बैलेंस। जब जो हमने करेक्ट देखा, अभी ये एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ क्रेडिट पे, करेक्शन के बाद ये क्लोज हो जाएगा ना। जब जो हमने करेक्शंस किए वो हम पोस्ट करेंगे सस्पेंस अकाउंट में और चेक करते हैं कि ये क्लोज होता है या नहीं होता। अच्छा पहले एंट्री क्या था? इक्विपमेंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 2400 से। एरर भी इसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1600 से, तो डेबिट करेंगे 1600। एरर सी में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1520 से, डेबिट करते हैं। और एरर डी में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 270, क्रेडिट कर देते हैं दोनों साइड का, टोटल करते हैं सम कर ले कितना आ रहे हैं। ठीक
ठीक है जी, 310 और क्रेडिट साइड का टोटल ये भी सेम आ रहा है 310। ये सस्पेंस अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ करेक्शन के बाद क्लोज, और क्लोज होने का मतलब हमने करेक्शंस सही की। ठीक है ओके, तो इसके बाद हम बनाएंगे फिर करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा और उसकी भी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। अब हम बनाते हैं इसका करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। तब यहां से ओरिजिनल पहले क्या वैल्यूज हम बोलेंगे उसको करेक्शंस करेंगे। इक्विपमेंट्स का बैलेंस है 20,700, हम इनर कॉलम में लिख लेता हूँ 20,700। और अब देखिए करेक्शन में इक्विपमेंट्स एरर ए की करेक्शन में इक्विपमेंट्स को हमने डेबिट किया है ना, इक्विपमेंट्स डेबिट मीन्स इंक्रीज, 2400 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है 20,700 में 2400 ऐड कर लेंगे, टोटल कितना बन रहा है 23,100। इसका करेक्ट बैलेंस रही। उसके बाद बैंक बैंक बैलेंस यहाँ पर गिवन है 540। अब करेक्शन में देखते हैं बैंक कहाँ पे आ रहे हैं। तो एरर वन में बैंक नहीं है, एरर बी में भी बैंक की एंट्री नहीं है, सी में भी नहीं है, और बैंक करेक्शन में देखना है हमें करेक्शन में बैंक कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो ये बैंक का बैलेंस एज इट इज कॉपी कर लेंगे 540, कोई चेंज नहीं आएगा। के बाद अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 8,820। देखें करेक्शन कहाँ पे हो रही है, अकाउंट रिसीवेबल तो एरर सी में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट मीन्स डिक्रीज, वो माइनस करेंगे यहाँ से 1520, फिर से माइनस करते माइनस 1520, करेक्ट बैलेंस आ जाएगा 7,300। के बाद अकाउंट्स पेबल, पेबल का यहाँ बैलेंस है 3,100। करेक्शंस में देखें एरर में कहीं पे पेबल आ रहे हैं, एरर बी में अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 1,600। सो क्रेडिट मींस इंक्रीज, इंक्रीज पेबल क्रेडिट इंक्रीज 1,600 ऐड होंगे, इसका करेक्ट बैलेंस आ जाएगा 4,700। के बाद कैपिटल का बैलेंस है 14,700, कैपिटल की कोई करेक्शन नहीं थी इसमें। सेल्स, सेल्स का बैलेंस है 56,270, 1,270। अब करेक्शन देखते हैं इसमें, एरर डी में सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है 270 से, और डेबिट मीन्स डिक्रीज, 270 माइनस करेंगे ये बैलेंस आ जाएगा, इसका करेक्ट बैलेंस 5,000, 56,000 क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद परचेजेस का बैलेंस यहाँ गिवन है 29,200, करेक्शन में देखते हैं परचेजेस, करेक्शन में परचेज कहीं पे नहीं आ रहे ना, ए बी सी और, तो परचेजेस का बैलेंस एज इट इज आ जाएगा 29,100 डेबिट। एक्सपेंसेस का बैलेंस है 14,500, एक्सपेंसेस की कोई करेक्शन नहीं थी। सेल्स रिटर्न का बैलेंस है 760, तो देंगे करेक्शन में सेल्स रिटर्न, सेल्स ही सेल्स रिटर्न नहीं है। ठीक है तो ये भी एज इट इज कॉपी कर लेंगे 760, और उसके साथ देखिए ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल हो गए बैलेंस। ठीक है तो ये इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर।